नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्पल ओशन स्टूडियो में। और आज हम देखेंगे कि हम कोरल ड्रॉ पर बैनर कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। पहले यहाँ पे एक नाम डाल लेते हैं, बैनर। तो यहाँ पे हम इसे इंच में चेंज कर लेंगे और इसे हम 6 कर देंगे और यहाँ पे रख देंगे 1.5। और ये हमारे सामने कैनवस खुल चुका है। क्योंकि हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है और हम एक इमेजिनरी बैनर बना रहे हैं, तो बस एक नाम ऐसे ही सोच लेते हैं। मैंने इसे सोच के रखा है पहले से ही, टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम इसमें कुछ फॉन्ट्स चूज कर लेते हैं। ये फॉन्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम उत्तर प्रदेश के लिए एक फॉन्ट देख लेते हैं। हाँ, ये फॉन्ट ठीक है। इसे हम अलाइन कर लेंगे, सेंटर में अलाइन करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा रीसाइज कर रहा हूँ। कैनवस में सेंटर में लाते हैं और एक पूरे कैनवस के लिए रेक्टेंगल ले लेंगे जो हमारे बैनर की पूरी साइज को कवर करेगा। और इसे हम ऑरेंज कलर दे देते हैं। मुझे नहीं लगता सही लग रहा है, ज़्यादा अच्छा रहा। वाइट आउटलाइंस दे देते हैं। जैसे ही हम आउटलाइन के सेक्शन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइड में हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, एक नया पैनल हमारे सामने आ जाएगा आउटलाइन पैन के नाम से, जिसमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। कि तो अब हमारे पास और क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कॉन्टैक्ट। तो जब आप बैनर बना रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट भी जरूरी होगा। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे। मेक श्योर इमेजिनरी भी हो, फिर भी 10 डिजिट हो। वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट कैम्ब्रिया, तो मैं इसे कैम्ब्रिया पे ही रखता हूँ। ज़्यादातर लोगों के पास 2 नंबर होते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर रख रहा हूँ। और अब ये जगह थोड़ी सी खाली लग रही है। मोमोज और चाउमिन, फ्राइड राइस, एग रोल, बर्गर, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। इसे करने से पहले क्योंकि एकदम टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के बराबर ये नहीं दिखना चाहिए, वो थोड़ा सा छोटा ही दिखना चाहिए। डिजाइन डालने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक लाइन का इस्तेमाल किया जाए जो इसको डिवाइड करे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और अब हम इसे अरेंज कर देंगे। यहाँ मिडिल पे डुप्लीकेट ले लेंगे। ओके, और सब जगहों पे भी ऐसे ही डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट का शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल डी है और मैंने इसे सेंटर कर दिया है। ओके, अब देखेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे ये खाली सा लग रहा है। ये जो एरिया है ये पूरा खाली सा दिख रहा है। इसको करने के लिए चलिए हम लोग कुछ इमेजेस का यूज करते हैं। इमेजेस लेके आते हैं गूगल से। अब ये यहाँ पे मैंने इमेज पेस्ट कर ली और अब हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अरेंज किया जा सकता है। ये इमेज यहाँ पे प्लेस हो सकती है। इसे हम क्लिप मास्क कर लेंगे। ओके, ये ठीक है। और ये इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए, ठीक है। और इसे इसे यहाँ अगर हम रखें तो कुछ ज़्यादा सही लगेगा, मगर उसके लिए मुझे टैक्स हटाने पड़ेंगे। तो टैक्स को हम लोग उठा के लेंगे इधर। थोड़ी सी खिचड़ी बन रही, मगर मैं देखूँगा इसे बाद में कैसे करना है। इसको यहाँ रखते हैं। हाँ, नीचे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने नाम को, टेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को और डुप्लीकेट करूँगा। और फिर
अपना प्रोजेक्ट बैक रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे तो वाइट कलर चल जाएगा और इसे वाइट और यहाँ पे आगे ऊपर और इसे हम करते हैं रिसाइज। अब इमेज को देखते हैं कि इसे हम कहाँ रखें। मुझे ये कुछ सही नहीं लग रही है, इसे कहाँ रखा जाए। आपके ऑब्जेक्ट के लिए जब तक आपको एक परफेक्ट जगह नहीं मिलती है तब तक आपकी डिजाइन खेल के सामने नहीं आती। इसे हम थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। मैंने इसे ग्रुप कर रखा था तो इसे हम पहले अनग्रुप करेंगे। जो हमारे टेक्स्ट हैं अब हम उनको राइट अलाइन करेंगे और अब हम इसे फिर से ग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल जी ग्रुप का शॉर्टकट है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये राइट इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया। अब देखते हैं कि ये चाउमिंस कहाँ जाएंगी। आपको सही लगेगी चाउमीन और इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें हम यहाँ पे एक शेडो क्रिएट करना है। इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिट मैप में, क्योंकि जब हम बिट मैप पे कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही हम इसे इस पे ब्लर या कोई भी इफेक्ट डाल पाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसको ये थोड़ा सा ठीक है 4.6 ओके ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो हमारा नाम है उसको भी थोड़ा सा शैडो इफेक्ट की ज़रूरत है, तो हम इस यहाँ पे भी एक डुप्लीकेट करेंगे और फटाफट से इसे बिट मैप में चेंज करके इसे हम ब्लर इफेक्ट दे देंगे। एक मैं ओवल ले रहा हूँ और उस ओवल की को यहाँ से कलर दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी कर रहा हूँ डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए मैं दूसरा कलर चूज करूँगा। एक बार आपको सही प्लेसमेंट मिल जाती है कि किस तरह से आप इसको प्लेस करेंगे तो आपके जो डिज़ाइन है वो अपने आप ही आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगी। मैं थोड़ा सा आप खेल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ या कई और ऑब्जेक्ट कई और शेप्स के साथ, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास कितना टाइम है एक बैनर बनाने के लिए। मुझे लगता है कि इसका कलर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जो कि मैं अच्छे इसके साथ नहीं कर रहा है। तो सिंपल मैं इसका येलो कलर ही उठाता हूँ और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज को मिक्स करता हूँ। कंट्रोल के साथ हम इसे मिक्स करते हैं। जब हम कंट्रोल के साथ इस कलर पे क्लिक करते हैं तो एक शेड इसमें ऐड हो जाता है। ओके ये ठीक हो गया और सब चीज़ें सही लग रही है। अच्छा इसे थोड़ा सा और क्रिएटिव कैसे किया जा सकता है पूरे को ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी से। उसके बाद हम इसको मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद नीचे थोड़ा सा अरेंज करेंगे यहाँ पे ठीक है और फिर हम दोनों को ग्रुप कर लेंगे। और ग्रुप करने के बाद हम फिर से डुप्लीकेट लेंगे और फिर से यहाँ अरेंज करेंगे। इसको हम तब तक डुप्लीकेट करते जाएंगे जब तक हमारी पूरी लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा। और उसके बाद पूरे को हम सेलेक्ट करके उसके बाद हम इसमें जो ट्रांसपेरेंसी मैंने दे रखी थी उसको हटा करके मैं पूरे को एक इक्वल ट्रांसपेरेंसी देने वाला हूँ। ये ठीक है
अब हम इसे की कॉपी ले लेंगे और इसे प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अच्छा ये क्या हुआ, ये तो मछली चल गई, इसे कर लेते कट और पेस्ट बाहर। अब ये तो देखा जाएगा आपने इस तरह से हमने बहुत ही कम टूल्स का इस्तेमाल करके एक बैनर को क्रिएट किया। ये जस्ट आप लोग को एक आइडिया देना था कि किस तरह से हम लोग कम समय में भी अच्छा बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कितना टाइम है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी थीम को मेंटेन करते हुए बिजनेस कार्ड और फ्लायर जैसी और भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।